गुड इवनिंग टू ऑल. आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ बॉडी मूवमेंट आर एबसेंट. बॉडी मूवमेंट मीन्स एम आई इक्वल टू जीरो. देन शो दैट सिग्मा आई जे इज सिमेट्रिक. बॉडी मूवमेंट एबसेंट हो मीन्स एम आई की वैल्यू जीरो हो, स्मॉल एम आई है ये, तो प्रूव करना है सिग्मा आई जे सिमेट्रिक होगा. सिग्मा आई जे इज सिमेट्रिक, इसका मीन्स क्या है, क्या प्रूव करोगे? सिग्मा आई जे इक्वल टू सिग्मा जे आई. क्यों? तो सिग्मा आई जे को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन प्रूव करोगे? सिग्मा आई जे इक्वल टू सिग्मा जे आई. अब बॉडी मोमेंट गिवन है तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन लोगे मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन. बाय मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन वी हैव, क्या इक्वेशन थी अपनी, रो एम आई प्लस एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा जे के इक्वल टू जीरो. ये प्रूव किया था कल, रो एम आई प्लस एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा जे के इक्वल टू जीरो. सिंस एम आई इक्वल टू जीरो, सो इसमें पुट करेंगे एम आई इक्वल टू जीरो, देन एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा जे के इक्वल टू जीरो. ये इक्वेशन आ गई. इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर लो, देन फ्रॉम फर्स्ट एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा जे के इक्वल टू जीरो. ये टर्म आ गया अपना, प्रूव करना है सिग्मा आई जे इज सिमेट्रिक. ठीक है, इट इम्प्लाइज हाफ एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा जे के प्लस हाफ एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा जे के इक्वल टू जीरो. हाफ एप्सिलॉन आई जे, एक टर्म तो एच एट इज रख लो, और इसमें जे और के इंडिसेज को चेंज कर दो. पहले भी कर चुके इस टाइप से, जे और के को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा के जे आई के जे सिग्मा के जे इक्वल टू जीरो. इट इम्प्लाइज हाफ एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा जे के एप्सिलॉन आई के जे, तो ये आई के जे साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, मीन्स इसकी वैल्यू माइनस वन होगी. ठीक है, तो माइनस वन होगी तो इसे माइनस एप्सिलॉन आई जे की, इसकी वैल्यू माइनस वन हो गई और इसकी वैल्यू माइनस एप्सिलॉन आई जे के, इसकी वैल्यू माइनस वन, तो ये इसके इक्वल हो गया. क्लियर है सभी को? इसको एज इट इज रहने दो, ओनली इसी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इक्वल टू जीरो. क्या कॉमन आ रहा है? हाफ तो वैसे भी कॉमन हो जाएगा, हाफ को तो जीरो भी कर सकते हो. हाफ एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा जे के माइनस सिग्मा के जे इक्वल टू जीरो. इट इम्प्लाइज एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा जे के माइनस सिग्मा के जे इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से कह सकते हो सिग्मा जे के माइनस सिग्मा के जे इक्वल टू जीरो. इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, ये परमुटेशन सिंबल है. ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं, सॉरी, ये और ये टर्म पूरा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, मीन्स इनमें से एक टर्म जीरो होगा. अब ये परमुटेशन सिंबल विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. परमुटेशन सिंबल आई जे के डिफरेंट डिफरेंट है, मीन्स
ये या तो प्लस वन होगा या माइनस वन होगा। तो आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में है तो इसकी वैल्यू प्लस वन होगी, ठीक है। प्लस वन होगी मीन्स दिस टर्म इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये इक्वल टू जीरो होगा, और ये इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से सिग्मा जे के इक्वल टू सिग्मा के जे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो कि सिग्मा जे के इज सिमेट्रिक। इंडिसेज को चेंज कर दो, सिग्मा आई जे, जे को आई से और के को जे से चेंज कर दो, तो यहाँ से जे आई, ठीक है। तो यहाँ से भी इसी स्टेप से भी कह सकते हो कि इट इम्प्लाई सिग्मा आई जे या और सिग्मा जे के इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पर सिंस परमुटेशन सिंबल एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है वो अपना प्रूव हो जाते हैं। तो मीन्स क्या हुआ कि इफ बॉडी मूवमेंट आर एब्सेंट देन सिग्मा आई जे इज सिमेट्रिक। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। नेक्स्ट देखो एक प्रॉब्लम और देखो। देखो यूजिंग इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्वल टू सिग्मा आई जे एन आई एन जे प्रूव दैट सिग्मा आई जे इज अ कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर टू। ये प्रूव करना है, ये एन इक्वल टू सिग्मा आई जे एन आई एन जे इनवेरिएंट दिया हुआ है, ठीक है। इनवेरिएंट का मींस क्या है, डैश और विदाउट डैश सिस्टम में वैल्यू जो है वो सेम होगी। मींस यहाँ पर इनवेरिएंट है तो इसके अकॉर्डिंग सिग्मा आई जे डैश एन आई डैश एन जे डैश इक्वल टू सिग्मा आई जे एन आई एन जे, ठीक है। अब जैसे इधर आई और जे इंडिसेज हैं तो ये इधर चेंज ले लो, सिग्मा पी क्यू एन पी एन क्यू, सिग्मा पी क्यू एन पी और एन क्यू, यहाँ पर इनके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको यूज कर सकते हो। सबसे फर्स्ट चैप्टर में सबसे फर्स्ट बताया था आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर अ वेक्टर और टेंसर वाई आई डैश और वाई आई, या उसी के अकॉर्डिंग वेक्टर को ए आई डैश की वैल्यू और ए आई। ध्यान आ रहा है कुछ, क्या था लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ वेक्टर, ए आई डैश इक्वल टू ए आई जे ए जे एंड ए आई इक्वल टू ए जे आई ए जे डैश। इधर डैश सिस्टम है तो इधर विदाउट डैश आएगा, ठीक है। इधर विदाउट डैश है तो ये डैश, तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को इसका डेरिवेशन जो है वो करवाया था। तो पीछे की चीज़ चैप्टर वन को जो है वो अच्छे से रिवाइज करते रहो, दो टू थ्री टाइम उसको रिवाइज करोगे तब उसकी चीज़ें क्लियर होंगी। वेक्टर आइडेंटिटी है वहाँ पर और ये सब चीज़ें जो हैं वो उनको रिवाइज करते रहो, ये नहीं बस अब एक बार कर लिया छोड़ दिया उसको, उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो साथ साथ। तो ए आई डैश इक्वल टू ए आई जे ए जे, इसी के अकॉर्डिंग वाई आई डैश और वाई आई बता सकते हो, वाई आई डैश है तो ये तो हो जाएगा ए आई जे वाई जे और ये ए जे आई वाई जे डैश, ये बताया था, ठीक है। अब इन्हीं इनके अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पर क्या है, एन पी और एन क्यू है, एन पी और एन क्यू। अब एन पी और एन क्यू के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज करोगे तो इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये आई है तो न्यू इंडिसेज लेते हैं, तो जैसे अब यहाँ पर एन पी है तो इसके लिए न्यू इंडिसेज ले लो ए आई पी और ये हो जाएगा एन आई डैश, जैसे जे न्यू इंडिसेज है तो डैश, तो एन आई डैश। एन क्यू की वैल्यू न्यू इंडिसेज लो, यहाँ आई ले लिया तो यहाँ जे ले लो ए जे क्यू एन जे डैश, ठीक है। तो एन पी और एन क्यू की ये वैल्यूज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यूज करते हुए पुट कर दो यहाँ एन पी और एन क्यू की जगह, और फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड में एडजस्ट कर लो, एक साथ ले लो दोनों टर्म्स को।
तो ये वैल्यूज पुट कर दें। अब इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, एन आई डैस एन जे डैस, ये तो कॉमन आ जाएगा, और एक साइड कर लो इनको। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया, तो ये टर्म नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग ही आ गया। क्या कहोगे यहाँ से, सिग्मा आई जे डैस इक्वल टू दिस, ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है सेकेंड ऑर्डर, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर अ कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर टू। ऑर्डर टू हो गए, दो इंडिसेज हैं ऑफ ऑर्डर टू, यही प्रूव करना था कि सिग्मा आई जे इज अ कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर टू।